नमस्कार, आपका स्वागत है डिजिटल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। हम पढ़ रहे थे बेटा पिछले पाठ में, सर पिछले वीडियो में प्राकृतिक वनस्पति से संबंधित, और आज हम इस क्लास में पढ़ेंगे वनस्पति से संबंधित जो है हमारा वन आवरण। वन आवरण तथा वन क्षेत्र, एक तो होता है वन आवरण और एक होता है वन क्षेत्र। तो दोनों में अंतर क्या है, सबसे पहले तो ये चीज देख लेते हैं कि वन आवरण क्या होता है और वन क्षेत्र क्या होता है। तो जो वन आवरण है इसमें क्या होता है बेटा कि प्राकृतिक वनस्पति, कौन सी प्राकृतिक वनस्पति का जमुवाड़ा या फिर मैं कहूँ झुरमुट, जमुवाड़ा या फिर झुरमुट यानी वास्तविक रूप में वनों से ढका क्षेत्र। तो वन आवरण यानी वनों से ढका हुआ क्षेत्र। वनों से ढका हुआ क्षेत्र, ये तो बात हो गई वन आवरण की। अब बात करेंगे किसकी, वन क्षेत्र की। तो वन क्षेत्र क्या होता है बेटा, यानी वह क्षेत्र यानी वन क्षेत्र राजस्व विभाग के अनुसार अधिसूचित क्षेत्र है। क्या है, राजस्व विभाग द्वारा अधिसूचित क्षेत्र है। वन क्षेत्र क्या है, वन क्षेत्र राजस्व विभाग द्वारा अधिसूचित क्षेत्र है, चाहे वहां वृक्ष हो या फिर न हो, चाहे वहां पर वन हो या न हो। कुछ समझे, जैसे बोलते नहीं ये वन क्षेत्र है, बीड़ बोलते हैं, बीहेड़, जहां पे क्या होता है सरकार द्वारा एक क्षेत्र को खाली छोड़ा हुआ होता है, वहां पे वृक्ष होते भी हैं और कई कई स्थानों पे नहीं भी होते हैं, जैसे खाली रहता है, कहीं घास होती है, ठीक है। इस प्रकार से जो क्षेत्र सरकार द्वारा क्या होता है, अधिसूचित होता है, सरकार द्वारा क्या होता है, अधिसूचित होता है, वहाँ पे वन हो भी सकते हैं और न भी हो सकते हैं। और वन आवरण क्या होता है, प्राकृतिक वनस्पति का जमवाड़ा, यानी कहने का अर्थ क्या है, वनों से ढका हुआ क्षेत्र। तो पीछे वाले में क्या देखा, कहीं पे तो वन है और कई कई ऐसे स्थान हैं जहाँ पे वन नहीं है, लेकिन वन आवरण में क्या होता है, इस प्रकार से कोई क्षेत्र है वहाँ पे वन होते भी हैं, और जो क्षेत्र होता है वो चारों ओर से अगर हम देखें तो उसमें क्या होता है बेटा कि वो वृक्षों से ढका हुआ क्षेत्र होता है, ठीक है, इस प्रकार से ढका हुआ क्षेत्र होता है। तो वन आवरण यानी वनों से ढका हुआ क्षेत्र, और वन क्षेत्र राजस्व द्वारा अधिसूचित क्षेत्र है, चाहे वहाँ पर वन हो या न हो, यानी उस क्षेत्र में वन हो भी सकते हैं और न भी हो सकते हैं, वो क्या कहलाता है, वन क्षेत्र कहलाता है, यानी वन क्षेत्र होता है।
अब आगे देखते हैं सन 2001 में, इसके अनुसार 2001 के अनुसार अगर हमें बात करें तो भारत में वास्तविक वन आवरण का प्रतिशत, यानी वास्तविक रूप में देखा जाए, कौन से रूप में, वास्तविक रूप में अगर देखा जाए वनों का आवरण, तो भारत में कितने वन थे, यानी कितना प्रतिशत अगर हम बात करें तो केवल और केवल कितना था, 20.55, कितना था 20.55, जिसमें से केवल, अब ध्यान देना, इसमें से केवल 60 वन कितना था, तो 60 वन कितने प्रतिशत भाग पे थे, 12.6% भाग पे थे, कितने थे 12.6%, और कितने प्रतिशत भाग पे वन होने चाहिए 33, तो कितने थे 2001 के अनुसार भारत में 20.55, उसमें से सघन वनों की बात की जाए, यानी इसमें से सघन वन हैं कितने हैं 12.6, कितने हैं 12.6 हैं। ये तो बात हो गई वन आवरण और वन क्षेत्र की। आगे हम बात करेंगे वन आवरण के प्रतिशत के आधार पर, किसके आधार पर, प्रतिशत के आधार पे इसको कितने भागों में बांटा गया है। तो देखो प्रतिशत के आधार पे अगर हम देखें, या फिर मैं कहूँ राज्य के अनुसार, यानी राज्यों के अनुसार अगर वन आवरण की स्थिति देखी जाए तो उनको कितने भागों में बांटा जा सकता है। तो एक तरफ तो हम देखेंगे प्रदेश, प्रतिशत, और एक तरफ क्या देखेंगे राज्य। ठीक है, पहला आता है अधिक वन संकेंद्रण वाले प्रदेश, पहला प्रदेश कौन सा है अधिक वन, ठीक है, इसमें कितने प्रतिशत है 40 से अधिक है, कितने से अधिक है 40 से अधिक है। कुछ समझ रहे हो क्या, हम देख रहे हैं प्रतिशत के आधार पर वन आवरण है उनको कितने प्रदेशों में और कौन कौन से राज्य में कितने प्रतिशत के अनुसार उनको शामिल किया है। तो पहले में आता है अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, केरल, इस प्रकार से इसमें अलग अलग राज्यों को शामिल किया है। केरल के अलावा गोवा है, मणिपुर है, मेघालय है, यानी कहने का अर्थ क्या है, जो भारत के इस प्रकार से जो हमारा मानचित्र है इधर वाला भाग, इसमें जितने भी राज्य हैं, इस भाग के लगभग जितने भी राज्य हैं उनको भी इसमें शामिल किया है। ठीक है, बाकी हमें इसमें क्या देखेंगे, प्रतिशत के आधार वाला है मानचित्र में भी इसको देखेंगे,
कि कितने प्रतिशत भूभाग वाले राज्य कौन से और 40 से कम वाले कहाँ हैं, 10 से 20 वाले कहाँ हैं, 10 से कम वाले कहाँ हैं। आगे हम बात करते हैं दूसरे प्रदेश की, मध्यम वन संकेंद्रण वाले प्रदेश। पहला है अधिक, दूसरा क्या है मध्यम वाला। इसमें कितने से कितने प्रतिशत को शामिल किया गया है, 20 से 40, कितने से कितने तक है, 20 से 40 तक इसको शामिल किया है। और इसमें कौन कौन से आते हैं, तो इसमें असम है, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश। असम, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश और एक नाम हो रहा है बेटा उड़ीसा। इन राज्यों को इसमें क्या किया गया है, शामिल किया गया है। ऊपर वाले में संख्या ज्यादा थी इसलिए तीन नाम बताए, बाकी आपको ये राज्य बता चुका हूं। तीसरा कौन सा आता है, कम वन, संकेंद्रण वाले प्रदेश। धीरे धीरे देखो, अधिक, मध्य, कम, इसमें भी कमी आएगी, 20 से 40 थे, इसमें क्या हो जाएगा 10 से 20 हो जाएंगे। इसमें कौन कौन से राज्यों को शामिल किया है, कर्नाटक, तमिलनाडु, पश्चिमी बंगाल। ध्यान देना, कर्नाटक है, तमिलनाडु है, पश्चिम बंगाल है और एक आपका कौन सा है, महाराष्ट्र भी इसी के अंतर्गत आता है, महाराष्ट्र। इसके अंतर्गत कितने राज्यों को शामिल किया है, 4 को शामिल किया है। लास्ट आता है अति कम, अति कम वन संकेंद्रण वाले प्रदेश। इसमें क्या रहेगा, 10 से कम। क्या रहेगा, 10 से कम। इसके अंतर्गत किनको शामिल किया है, तो देखो जो बच गए, इन तीनों के अलावा जितने भी बच गए शेष सभी, यानी इनके अलावा जो बच गए उन सभी को किस में शामिल किया गया है, अति कम वन संकेंद्र वाले को शामिल किया गया है। इसमें हमारा राजस्थान भी है, गुजरात है, बिहार है, दिल्ली है, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, पंजाब, उत्तर प्रदेश, चंडीगढ़, दमन द्वीप एवं पांडिचेरी को इसमें क्या किया है, शामिल किया है। पुनः सुन सकते हो, बिहार, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, चंडीगढ़, दमन द्वीप एवं पांडिचेरी है वो किसमें शामिल है, अति कम वन संकेंद्रण वाले प्रदेशों में शामिल है। आगे हम बात करेंगे इसमें भारत में वन नीति, इसकी बात करेंगे भारत में वन नीति। अगर क्वेश्चन आ जाए इसमें आपके कि वन क्षेत्र के प्रतिशत के आधार पर राज्य स्तरीय वितरण बताइए, किसके आधार पे पूछा है, प्रतिशत के आधार पे पूछा है,
तो प्रतिशत के आधार पे आपको ये क्या बनानी है, सारणी बनानी होगी। ठीक है, तो आगे देखते हैं भारत में वन नीति। भारत में वन नीति संबंधी आपने 10वीं क्लास में पढ़ा होगा कि भारत में जो वन नीति संरक्षण नीति बनाई गई थी वन संरक्षण हेतु, वो कब बनाई गई थी और उसे कब लागू किया गया था। तो इसे कब बनाया गया, पहले तो ये देखो 1952 में वन नीति लागू 1952 में, लेकिन इसमें थोड़ा संशोधन किया गया था। तो वो संशोधन कब किया गया था, 1988 में। दो प्रश्न बन रहे हैं इसमें छोटे। पहला तो है कि भारत में वन नीति लागू कब हुई थी, भारत में जो वन नीति है उसको लागू कब किया गया था, कब लागू किया गया था 1952 में। लेकिन दूसरा क्वेश्चन क्या है इसमें कि जो वन नीति लागू की गई थी संरक्षण हेतु, उसमें संशोधन यानी संशोधित कब है? तो कब है, 1988 में। ठीक है, आगे हम बात करेंगे इसके प्रमुख उद्देश्य, यानी भारत में जो वन नीति बनाई गई है किस उद्देश्य से बनाई गई है, इसका क्या उद्देश्य है। तो देखो पहला उद्देश्य क्या है इसमें, वनों की उत्पादकता बढ़ाना। पहला उद्देश्य क्या है, वनों की उत्पादक जो उत्पादकता है उसको क्या करना, बढ़ाना। दूसरा इसमें आता है असंतुलित क्षेत्रों में वनों को लगाना। असंतुलित क्षेत्रों में वनों को लगाना। तीसरा इसका मुख्य जो उद्देश्य था वो है कि वनों की कटाई रोकने के लिए जन आंदोलन चलाना। क्या चलाना, जन आंदोलन चलाना। क्यों, वनों की कटाई को रोकने के लिए। ठीक है, चौथा उद्देश्य की अगर हम बात करें तो मृदा अपरदन, सूखा, बाढ़, मरुस्थलीयकरण, ध्यान से देखना, एक साथ चार नाम है, मृदा अपरदन, सूखा, बाढ़, मरुस्थलीकरण। पर क्या करना है, नियंत्रण करना। पर क्या करना, नियंत्रण करना। चार पॉइंट हो गए। पांचवा पॉइंट आता है इसमें, वन आवरण का विस्तार करना।
किसका विस्तार करना, यानी अधिक से अधिक वृक्षारोपण करके वनों को जो आवरण है उसमें क्या करना, विस्तार करना। कितने पॉइंट हो गए? 5 हो गए। छठा पॉइंट इसमें आता है कि वर्तमान में देश के लगभग 23% भाग पर वन क्षेत्र हैं। इन वन क्षेत्रों को कितना बढ़ाना, अभी पीछे बता के गया था लगभग कितना है, 23% है और हमें चाहिए कितना, 33%। इसलिए भी ये इसके उद्देश्य में शामिल किया है। क्यों किया है? क्योंकि हम ज़्यादा से ज़्यादा अगर वन लगाएंगे तो हमारा जो परसेंट है, यानी जो 23% है, उसको हम कितने तक बढ़ा सकते हैं अगर सही तरीके से कार्य करते रहें तो 33% तक इसको बढ़ा सकते हैं। एक बार पुनः देख सकते हो भारत में वन नीति के प्रमुख उद्देश्य क्या हैं। पहला जो उद्देश्य बताया गया है वो है वनों की उत्पादकता है उसको क्या करना, बढ़ाना। दूसरा जो हमारा पॉइंट आता है वो है असंतुलित क्षेत्रों में वनों को क्या करना है, लगाना है। तीसरा है जन आंदोलन चलाना। क्यों चलाना? क्योंकि जो वनों की अंधाधुंध कटाई हो रही है उसको हम क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। चौथा पॉइंट है मृदा अपरदन, सूखा, बाढ़, मरुस्थलीकरण, यानी ये जो चारों के चारों पॉइंट हैं इस पे हमें क्या करना है, नियंत्रण करना है, इसे रोकना है। पांचवा पॉइंट आता है वन आवरण का विस्तार करना, यानी वनों को अधिक से अधिक मात्रा में लगा के हम जो वन आवरण है उसमें बढ़ोतरी कर सकते हैं। और लास्ट हमारा पॉइंट है कि जो वर्तमान में हमारे 23% भूभाग पे वन है, अगर हम अधिक से अधिक वृक्ष लगाएंगे तो ये हमारा जो क्षेत्र है वो कितने तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है, हमने 33% भूभाग पे लगाने का लक्ष्य रखा है। इसी के साथ जो हमारा भारत में वन नीति के प्रमुख उद्देश्य हैं वो क्या होते हैं, पूर्ण होते हैं। और आज की क्लास भी यहीं पे पूर्ण करना चाहूँगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।